फ्रेंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब देवाशीष में। तो फ्रेंड आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, आप अगर एक डिजिटल सेवा पोर्टल की भी ली है तो आपकी जो डिजिटल सेवा पोर्टल है उस पोर्टल को एक्टिव रखने के लिए आपकी जो डिजिटल सेवा की जो डिजीमेल है उस डिजीमेल में एक मेल आया है, वो मेल क्या है और उसको आप एक्टिव कैसे रखेंगे वो पूरा डिटेल्स में आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो फ्रेंड आप अगर ये जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल की जो डिजीमेल है उसे डिजीमेल को लॉगिन कर लीजिए। डिजीमेल को लॉगिन करने के बाद ऊपर इनबॉक्स में क्लिक करिए। आप देखेंगे इनबॉक्स में क्लिक करने के बाद अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल की जो सारे नोटिफिकेशन आते हैं वो सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 जनवरी 2018 में एक नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन को ओपन करना है। वो नोटिफिकेशन ओपन करने के बाद आपको सामने ऐसा दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 जनवरी 2018 में आपको जो अपने जो डिजिटल सेवा पोर्टल की चलाते हैं उस डिजिटल सेवा पोर्टल में जो वॉलेट है उस वॉलेट में अगर आप 1000 रुपये नहीं रखते हैं, मेंटेन नहीं करते हैं 1000 रुपये, तो आपकी डिजिटल सेवा पोर्टल जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। आगे भी आप अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल को चलाना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1000 रुपीस रखना पड़ेगा अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल की जो वॉलेट है उस वॉलेट में। CACAE इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे बिजली हो गए हैं, बट डिजिटल सेवा पोर्टल की जो काम है वो काम सिर्फ कुछ ही बिजली करते हैं, तो और जो बिजली काम नहीं करते हैं उस बिजली को CAC हटाना चाहते हैं, तो वो मिनिमम 1000 रुपीज़ बैलेंस रख के देखना चाहते हैं वो कितने बिजली इसमें एक्टिव है और कितने एक्टिव नहीं है। जो एक्टिव नहीं रहेगा उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को अगर एक्टिव रखना चाहते हैं तो आप अपनी वॉलेट में 1000 रुपीज़ हमेशा रखिए। तो फ्रेंड आशा करते हैं ये जानकारी और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।